Let's learn and earn from your home. Learning with earning. देन उसके बाद हेडर्स में आ गए. अब हम लोग हेडर्स में जो है वो थोड़ा ध्यान से प्रेस करना होता है. कीवर्ड्स एसईओ का कंटेंट मतलब कैसा चल रहा है, मतलब गूगल किन चीज़ों पे साइट को रैंक कर रहा है, तो आप उधर से पढ़ सकते हैं कि किस क्या चीज़ें चल रही हैं. डिफरेंट पेजेस से पढ़े आपको, फिर अगर कोई चीज़ सेम लगे तो आपको होगा कि हाँ ये वाली चीज़ें सेम है तो ये गूगल ऐसे ही कर रहा होगा. अगर आप लोगों ने मतलब अपना ब्लॉग बनाना है, अपनी वेबसाइट बनानी है, उसको स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो आप साथ साथ उस कंटेंट को लिखते हो और उसको मतलब आपको पता चलता जाता है कि कैसे ट्रैफिक आ रही है. आप अपने कीवर्ड से ही देखते, क्योंकि कीवर्ड असल में वो मतलब हम लोग उस चीज़ को टारगेट कर रहे होते हैं कि लोग जो चीज़ सर्च मतलब कर रहे होते हैं, मोस्टली प्लेस कर रहे होते हैं वहाँ पर कॉन्टेंट अपने एक्सपीरियंस से. तो आप डिफरेंट लोगों को पढ़ सकते हैं, आप जो सर्च करें वहाँ पे जाके आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. आप बहुत सारों को पढ़ें, किसी एक को ना पढ़ें. अच्छा, तो ऐसा होता है कि अगर आप अपना ब्लॉग बना रहे हैं तो आप उस पर आपको यकीनन वहाँ पे वो उसके वो कर सकते हैं एनालिटिक्स दिखा देगा वहाँ पे कि भाई आपका ब्लॉग कैसा जा रहा है, आज कितने लोग आए हैं, क्यों आए हैं. अच्छा, ऐसा हो गया कि अब हेडर्स में हमने यूज कर रहे हैं. आपने कीवर्ड हर हेडिंग में यूज नहीं करना, मतलब अगर आपकी चार हेडिंग है या फर्ज करें 6-7 हेडिंग है तो आप हर हेडिंग में कीवर्ड्स यूज नहीं कर सकते. और अब देखें जैसे एक है पॉइंट है कि आपने एक हेडिंग मतलब यूज किया, कीवर्ड यूज किया, फर्ज करें आपका वो किसी ने लैंप्स बोला था, तो अगर लैंप्स का है कुछ तो मतलब अगर आप कहें ब्राइट लैंप्स कह लें तो ब्राइट लैंप्स का है, तो अगर आपने उसका एक पहला पॉइंट डाला है स्ट्रेटजी ऑफ ब्राइट लैंप्स, देन स्ट्रेटजी नंबर 2, then 3, then 4 इस सामने वो सारों में उसके ब्राइट लैंप्स आ गए, तो ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी क्योंकि ये चीज़ थोड़ा स्टफिंग में आ जाती है. ठीक है, अब हेडिंग्स जो है वो यूनिक आपने बनानी है ताकि ऐसा नहीं हो कि आपने कीवर्ड हर हेडिंग में यूज़ किया हुआ है. हेडिंग में यूज करने हैं लेकिन हर हेडिंग में यूज नहीं करने. ठीक है, इफ द कीवर्ड डेंसिटी इज लाइक 3% for 500 word article, तो आप फिर उसको हेडिंग में यूज करोगे, देन उसको फर्स्ट पैराग्राफ फर्स्ट लाइन में यूज करोगे, देन उसको मिड में कहीं यूज करोगे, देन लास्ट में यूज करोगे, एंड इनफ काफी होता है. अच्छा, उसके बाद अच्छा यूजर फ्रेंडली लिखना होता है, मतलब ये नहीं कि आपने कीवर्ड लिख दिया तो आपने कीवर्ड प्लेस कर दिए बहुत अच्छे से कर दिए, देन आप समझो कि नहीं अब इसको तो बहुत ट्रैफिक आने वाली है, ऐसा नहीं होने वाला. आप लोगों को ऐसा लिखना है कि भाई उसको लोग पढ़ें भी ना, उसको लोग शेयर भी करें, तो उसी से आएगी आपके पास ट्रैफिक, ऐसे नहीं आने वाली. ठीक है, अब यहाँ पे आप देख लें कि जैसे हेडिंग वर्ड में हेडिंग वन में कीवर्ड यूज हुआ हुआ है, हेडिंग टू में यूज हुआ हुआ है, लेकिन अगर बहुत सारी हेडिंग्स है तो उसमें आप यूज नहीं करोगे. यहाँ पे टाइटल में यूज हुआ हुआ है कीवर्ड, देन बीच में भी यूज हुआ है, तो ये बहुत सारा हो गया कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड, देन ऑल के उसमें इमेज में भी यूज हुआ हुआ है. तो आपने 350 वर्ड्स का आर्टिकल है तो ट्वाइस उन आर्टिकल यूज कर लें, अगर 500 वर्ड का है तो ट्वाइस का टाइम यूज कर लें. दैट्स इट.